यानी होते क्या के लिए साले ये सर्विस सेंटर वाले क्यों होते हैं? प्रॉब्लम है ना ऐसे, मेरे को समझ में सर्विस सेंटर वाले फिर क्यों मैकेनिक्स रखे हुए हैं? सो गाइस, 8 लाख की बाइक खरीदने के बाद ये चीजें हो रही हैं। वो देखो सुजुकी, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ी हल्की भी है नो डाउट, लेकिन 250 सीसी है। ये भाई साहब 500 सीसी है। सो गाइस ये देखो, आज तो अलग ही चल रहा माहौल भाई। चाबी दिखाओ कहाँ घुसाए हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टीपी। टीपी का ये जो गेस्ट हाउस है ये फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, और यहाँ पे कल रात को हम आकर रुक गए थे। हम गए थे लास्ट व्लॉग, आपने नहीं देखा तो जाकर देखो, यहाँ आई बटन में आ रहा है। कल रात को, कल दिन में हम गए थे टिटवाल। टिटवाल से आगे है सिमारी विलेज, जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोल सकते हो या फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बोल सकते हो। उसके बाद पाकिस्तान लगता है, वहाँ पे किशन गंगा रिवर, हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है रिवर को, और पाकिस्तान में नीलम रिवर बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें उस ब्लॉग में है। उसके बाद हम वहाँ से यहाँ आए, हम जा रहे थे बांगस वैली, लेकिन हुआ यूँ कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके कारण 1.5-2 घंटे हमारे ख़राब हुए, और यहाँ पहुँचते पहुँचते टीपी पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 6:30 हो गई थी। तो हमने सोचा कि यार आगे जाना सही नहीं होगा, क्योंकि तरीके से घूम ही नहीं पाएंगे हम बंगस वैली। सो हमने कल रात को यहाँ स्टे लिया, और ये स्टे जो है ऑनलाइन बुक होता है, तो मुझे पता नहीं है, सर जो यहाँ पे है उनसे मैं मिलवाता हूँ आपको, वो बताएंगे कि क्या साइट है जिससे आप बुक कर सकते हो अगर आप घूमने आ रहे हो बंगस वैली। तो ओवर टू सर। सर पहले अपना नाम बताएं। सर इसकी बुकिंग कैसे होगी? बुकिंग ऑनलाइन ये forest.com पे जाना है, तो ड्रिंगेरी लिखना है इसमें, मतलब जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ड्रिंगेरी। ड्रिंगेरी, ओके। सो गाइस आपने सुन लिया, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट कॉल करके कोई बुक करना चाहता है तो हो सकता है? मेरा नंबर? हाँ अपना नंबर 9906961219। सो गाइस अगर आपको भी बुक करना है इस प्रॉपर्टी को, अगर आप भी बंगस वैली घूमने आना चाहते हो और यहाँ रुकना चाहते हो, यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। हमने सर से पूछा था कि सर हम कैंप कर ले, तो बोला हाँ बिल्कुल आप कहीं भी लगा सकते हो, इसका पूरा कंपाउंड जो है ना इसके अंदर कहीं भी आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी चीज़। तो और सबसे अच्छी चीज़ है कि सर ने बोला कि आप कैंप लगाना है लगा लो, वॉशरूम यूज करना होगा आप कर लेना प्रॉपर्टी के अंदर जो वॉशरूम है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी हमें यहाँ की, और ऐसे भी यार कश्मीर की मेहमान नवाजी नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है। तो अभी निकलते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 9 बज गया है, 5-10 मिनट में हमारे इंजीनियर ऑन व्हील रेडी हो रहे हैं, 5 मिनट में तैयार होते हैं, उसके निकलते हैं सीधे बंगस की तरफ। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लगी हुई है बीस्ट हमारी चेतक, और ये है भाई साहब टाइफून। तो दोनों लोडेड है दौड़ने के लिए बंगस वैली की तरफ। तो चलिए निकलते हैं, बाकी की बात करते हैं चेतक पे बैठने के बाद। सो हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया ओम नमः शिवाय जय माता दी या खुदा या अल्लाह वाहेगुरु गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा। चलिए सर बाय बाय सर। सो फाइनली हम बंगस की तरफ कूच करने वाले हैं भाई साहब। लास्ट टाइम हम इसी जगह तक आ पाए थे, इसके आगे नहीं जा पाए थे, क्योंकि पूरा का पूरा ये रास्ता स्नो से कवर्ड था, बंद पड़ा हुआ था। तो लास्ट टाइम मैं अपना शुभम मतलब एज ए ब्लॉग्स और यासिर भाई, हम तीनों आए थे कश्मीर एक्सप्लोर करने, और वो सीरीज़ मैंने नाम रखा था सफ़र बिन मंजिल, और सच में वो सफ़र बिन मंजिल ही रह गई वो पूरी की पूरी सीरीज़, कहीं पहुंच ही नहीं पाए थे, सब जगह जाकर रोक दिए गए थे। तो इस बार सोच के रखा था कि इस बार कुछ मिस नहीं करना है, बंगस भी दिखाएंगे आपको, टिटवाल दिखाई दिया मैंने, और इसके बाद जाएंगे किरण। किरण भी जो है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे भी किशन गंगा रिवर आपको देखने को मिलने वाली है, और वहाँ तो बिल्कुल हम डाउन में रहेंगे, नीचे में रहेंगे, और वहाँ से बहुत करीब पाकिस्तान के विलेज नज़र आएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से निकल के गुरेज। ठीक है, तो इस बार कश्मीर तरीके से पूरा एक्सप्लोर करके मैं जा रहा हूँ, जो कश्मीर की ब्यूटी है, इनर ब्यूटी बोल सकते हो, अनएक्सप्लोर्ड प्लेस बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं इस लद्दाख सीरीज़ में ही एक्सप्लोर करने का मैंने सोच रखा था, तो ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस चलिए चलते हैं इन नज़ारों के साथ, नज़ारों को दिखाते हुए आपको हम पहुँचाते हैं बंगस वैली। अरे भाई ये पूरा पेड़ में ही आग लग गया है। ओ भाई साहब ये देखिए, देख रहे हो, बाप रे पूरा का पूरा पेड़ जल रहा है ये। ओ शिट, ये बिजली गिरी है भाई, देखो पेड़ टूटा है और गिरा है और बिजली गिरी है ये। बाप रे भाई साहब, ओए ये है भैया प्रकृति, प्रकृति की ताकत देखो भैया, प्रकृति की ताकत। बाप रे बाप, पूरे
पेड़ में आग लग गई। सोचो क्या ताकत है इस बिजली में, इंसान का तो पता ही नहीं चलेगा भाई, इंसान का तो पता ही नहीं चलेगा। बाप रे बाप, सी दिस लोकेशन मैन, सी दिस लोकेशन। ये पाइन ट्रीज जो दिखते हैं ना भाई साहब, पहाड़ों को अलग ही खूबसूरत बना देते हैं, अलग ही खूबसूरत बना देते हैं। हाँ जी, तो बंगुस से पहले ठीक 3 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट लगता है, वहाँ पे आपके सारे डिटेल्स लिखे जाएंगे, फादर्स नेम, हमारा डिटेल्स, बाइक नंबर, मोबाइल नंबर, और आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड होगी वो सबमिट हो जाएगी उस पोस्ट पे। जब घूम करके आप आओगे तो आपको मिलेगा, और 4:30 तक बोला सर ने कि 4:30 तक वापस आ जाना है आपको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए नज़ारे भाई, नज़ारे ही देखने तो आए हैं खुद भी और आपको भी। ये सारी चीज़ें कहाँ हमें मिलने वाली है, हमारे शहरों में मिलेंगी क्या, बताओ ज़रा, नहीं मिलेगी ना। तो देखो यार, मज़े उठाओ, फ्री में मिल रहा मज़ा, ठीक है, फ्री का मज़ा। देख रहे हो भैया, ऑफ रोडिंग बीस्ट के साथ फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग चल रही है, कीचड़ उचड़ के साथ। और ये जो कीचड़ है, फिसलने वाला कीचड़ है भैया। फुल एडवेंचर हो गया ये तो यार। अरे भाई, नेक्स्ट लेवल हो गया भाई ये तो। क्लच गर्म हो गया, क्लच प्लेट गर्म हो गया भाई। ये देखिए गाइस, हम लोग नेटवर्क ढूंढ रहे हैं फोन को ऊपर करके आसमान में। ये भी एक अलग एडवेंचर हो रहा है भाई साहब, पूरा फोन ऊपर करके कि नेटवर्क मिल जाए। और क्यों? क्योंकि बाइक स्टक हो गई है और मैं जो TRK का ग्रुप है उस पर डाल रहा हूँ, तो मैसेज करना जरूरी है, लेकिन नेटवर्क आ ही नहीं रहा है यार। सो गाइस, 8 लाख की बाइक खरीदने के बाद ये चीज़ें हो रही हैं। वो देखो सुजुकी, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ी हल्की भी है नो डाउट, लेकिन 250 cc है ये भाई साहब, 500 cc है, ठीक है। और पूरा का पूरा ये माहौल जो है पूरा कीचड़ और अफिल्स है, और लेके हम बढ़ रहे थे ऊपर की तरफ और स्टक हो गई है, या तो क्लच प्लेट गर्म हो गया है, कुछ तो हुआ, खींच ही नहीं रहा, एक नंबर पे भी खींच ही नहीं रहा है, तो मैंने छोड़ा है थोड़ी देर की ठंडा हो जाए, फिर देखते हैं। आज अलग ही चल रहा है, आज का दिन सही में अलग ही चल रहा है। अभी मेरी बाइक को थोड़ा सा इसने प्ले वे दे करके कर दिया है अपने सुभाष ने। अब पंगा ये हो गया है कि हमने चाबी खो दी है सुभाष के बाइक की, अब वो ढूंढ रहे हैं। धक्का कहाँ लगाए थे अपन? अपन कहाँ धक्का दिए थे पा? प्लेन हो गया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से। सो गाइस, ये देखो आज तो अलग ही चल रहा माहौल भाई। चाबी दिखाओ कहाँ घुसाए हो।
पैंट के अंदर घुस गई है, नीचे चली गई है पूरी की पूरी चाबी। कैसा लग रहा है? शांति। बंगस में आके भंगस हो गए हम लोग यार। बहुत ही ज्यादा अभी पूरा दिन बाकी है, जबकि अपने चेतक को उधर पार्क करके छोड़ दिया है कि ठंडा होता रहेगा आराम से, और आते हैं वापस बंगस घूम के। हाँ जी, तो यारो वॉक करके, क्या बोलते हैं, हाइक करके अब जा रहा हूँ बंगस। लगभग 1 किलोमीटर की हाइक है, हाइक करके पहुँचेंगे बंगस। पता नहीं मेरी गलती है, सर्विस सेंटर वालों की गलती है, किसकी गलती है, गॉड नोज। एक चीज़ बताऊँ कि जब मैंने बताया था इन लोगों को कि मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ, तो थोड़ा प्ले देना चाहिए था इनको मेरे क्लच में। बिल्कुल भी प्ले नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जो राइड कर रहा है भाई, इंजीनियर ऑन व्हील, हिजा मैं केमिकल इंजीनियर, तो उसको थोड़ी सी नॉलेज है। तो उसने जब मेरा चेक किया ना क्लच, तो उसने बोला भाई आपके क्लच में तो बिल्कुल प्ले दिया ही नहीं गया है, इसलिए प्रॉब्लम आई है। सो गाइस, आप भी अगर पहाड़ों में आते हो ना, तो प्लीज़ अपने क्लच का प्ले चेक कर लेना, नहीं तो यही पंगे होने वाले हैं, या तो क्लच प्लेट हीट होकर जल जाएगा या फिर जल ही जाएगा। तो आज की राइड थोड़ी एडवेंचर हो गई है, बट कोई ना, कर लेंगे यार। जब लेकर के आए हैं चेतक को, तो ऐसे नैसे कैसे करके पहुंचना ही है जगह पे, हो सकता है आगे पीछे डेज हो जाए, लेकिन करेंगे। और मेरा फ्रेंड है हैदराबाद से, राइड विथ विजय, उससे मेरी बात हुई, उसने फ़ोन किया मुझे, उससे बात हुई, तो उसने, उसके पास भी TRK है, तो उसने बताया कि 1.5 किलोमीटर में जलना तो नहीं चाहिए, आप थोड़ा प्ले दे दो उसमें, जलनी नहीं चाहिए वो जो है, लेकिन अगर कुछ दिक्कत हुआ है तो ऑन सेफर साइड आप डोमिनार का क्लच प्लेट जो है वो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं, बस महादेव से यही दुआ है कि हमारा क्लच प्लेट ना जले, बस बाकी सब बढ़िया है। हर हर महादेव। ओरिजिनल स्ट्रगल जो है तो यहाँ से शुरू होगी भाई, रिवर क्रॉसिंग है पूरी, और ये रिवर क्रॉस करेगा तू? करेगा ना पक्का? डर के आगे जीत है। और यहाँ मक्खियाँ बहुत है यार, ये मधुमक्खियाँ बहुत है यहाँ पे भाई साहब। अरे भाई बहुत ज्यादा ही मधुमक्खियाँ हैं, काट लेंगे तो आज ऐसे ही दिन खराब चल रहा है और पंगे हो जाएंगे। तो अपने चेतक को ले आते, हम जरूर चलाते इधर, एक अलग एडवेंचर होता, लेकिन चेतक उधर खड़ी अकेले। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे जवान खड़े हैं, उनसे एंट्री करवाओ, फिर आपको जाने को आगे मिलेगा। राइट, थोड़ा हल्का राइट, हल्का राइट, बस बस इस पे लेके जाओ, इसी पे लेके जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट, बस वेलकम डन। देखो एडवेंचर देखो भैया, ओए ओए फाइनली निकल गई। देखिए भाइयों, हमारे पास तो एडवेंचर के लिए हमारा चेतक हमारे साथ रहा नहीं, लेकिन ये क्या नाम है इसका, नाम क्या है? टाइफून। हाँ, टाइफून जा रही है, टाइकून बनके, ठीक है? तो भाई लेके जा रहा है इधर, आज इसी के एडवेंचर को देख लेते हैं। चलो बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहो, घूमते रहो, फिर मिलेंगे, बाकी सब बढ़िया है। भाई की फर्स्ट वाटर स्ट्रीम राइड है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अबे आगे कहाँ जा रहा है? ये देखो भाई, ज्यादा एडवेंचरस हो रहे हो बाबू तुम। अब मेरे को नहीं पता, तुम्हारा दिल करता है तब जाना, एक्सलेटर छोड़ना बिल्कुल नहीं। हर हर महादेव। हो गए, हो गया। हाँ जी, तो यारो भाई ने कर ली एडवेंचर, फर्स्ट टाइम उसने रिवर क्रॉस किया। अभी आता है तो पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है भाई का। हमने तो बहुत सारे रिवर क्रॉसिंग किए हुए हैं, जंस्कार में जब मैं सोलो राइड कर रहा था तो जो बाइक लेके गिरा था मैं पानी में, रिवर में,
वहाँ पे बीआरओ ने मेरी बहुत बहुत मदद की थी, तो बीआरओ को, हर जगह के बीआरओ को उनके लिए थम्स अप है भाई साहब। आर्मी एंड बीआरओ जो है ना, आपको हर जगह जहाँ भी मिलेगी वो आपकी मदद करेगी, आपको छोड़ के नहीं जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है हमारे बीआरओ और हमारी आर्मी, ठीक है। तो भाई साहब आते हैं, फिर हम इधर थोड़ी दूर ऊपर चलेंगे, वहाँ से मिडोज दिखाएंगे, मतलब जो फील्ड है पूरा वैली के बीच में, जस्ट लाइक अ खजियार या फिर पटनी टॉप बोल सकते हो, वैसा ही है। और ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, यहाँ ब्लैक कलर की मक्खियाँ बहुत है, सबको परेशान कर रखी हैं। चलिए भाई को आने दीजिए, फिर उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग क्रॉस करने का, उनकी राइडिंग करियर में, उसके बाद आगे निकलते हैं। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम चेतक। चेतक, अरे भाई मेरा भी, मेरे ही बाइक का नाम चेतक और भाई के बाइक है, इसका नाम चेतक। कितना चार्ज करते हो पूरा घुमाने का? पूरा घुमाने का, बड़ा बंगस छोटा बंगस पूरा घुमाएंगे हम। छोटा बंगस किधर है? छोटे बंगस में इस वक्त हम हैं इधर, हाँ। तो यहाँ से ले जाएंगे वहाँ पर बड़े बंगस तक। अच्छा, तो लेंगे 250 जाने का, 250 आने का। ओके, 500 रुपया हो गया। हाँ सर। ओके, और ये कितने बजे खुल जाता है सुबह? ये सुबह 5 बजे खुल जाता है। और शाम को कितने बंद हो जाता है? 4:30 को 7:30 बजे बंद हो जाता है। 7:30, लेकिन आर्मी वाले बोले 4:30 तक वापस आना है आपको। नहीं नहीं, 4:30 बजे तक वापस आ जाना है, जो रेस्ट होगा वो 4:30 बजे 5 बजे तक यहाँ पे घूम सकते हैं। 5 बजे लास्ट डेट है, यहाँ से नीचे हो जाएंगे 5 बजे तक। अच्छा अच्छा, तो ये पूरा जो है ऐसे ही मिडो, ऐसे ही पूरा चारों तरफ से ही दिखता है ना? हाँ हाँ, सारे चार तरफ से दिखाई दे। उस मस्जिद के पास हम जहाँ पहुँचेंगे हम, तो वहाँ से सब कुछ दिखता है। ओके ओके ओके, चलो अच्छा कि आपने बताया, मैं चाहता था इन्फॉर्मेशन दे ताकि आप कोई आए तो आपसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्दीक। तो भाई सिद्दीक भाई को देख लो, पहचान लो उनका चेहरा। अगर आप आते हो बंगस घूमने तो इन्हीं का घोड़ा लेना, पूरा घुमाएंगे, घुमाओगे ना पूरा? पूरा ये घुमाएंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हेलो, एक मिनट, यस। आपका नाम क्या? वेलकम टू माय चैनल। क्या नाम है आपका? कश्मीर घूमो, देखो कितनी खूबसूरत जगह है। सर रफाकत आलियान एंड हाजिक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। आप कहाँ से सर? मुंबई। मजा आ रहा है। मुंबई की जगह सर? अभी सर, अभी हम जस्ट, अभी हम भी मुंबई से घूम के आए सर। क्या बात है, गर्मी थी ना? जी भयंकर गर्मी थी। ओके सर, नाम क्या है इसका? गो राइडर्स। थैंक यू, बाय बाय। सो भाई लोग मिल गए थे तो अच्छा लगता है यार, जब कश्मीरी भाई लोग मिलते हैं तो एक अलग ही वाइब मिलता है, अलग ही चीजें मिलती है। हाँ सर, कुछ है नहीं, अभी देखते हैं बस। कुछ चाहिए तुम लोगों? पानी चाहिए। क्या बात है, ये देखो कश्मीरियत यही है भैया, ये देखो क्या बोलते हो आप कश्मीर। देखो भाई लोग से पानी हमने बोला और भाई हमें पानी पिला रहे हैं, तो ये है कुछ कश्मीर की खूबसूरती, ठीक है। सो गाइस, ये है बंगस। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, कौवा देख रहे हो, क्या नज़ारे हैं भाई साहब। बिल्कुल पटनी टॉप और खजियार की तरह, खजियार थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ज़बरदस्त, बहुत सही। ये हमारे साथ जो राइडर हैं कपल, वो लोग हैं, तो मैंने सोचा कि दिखा दिया जाए, ठीक है। अब फटाफट चलते हैं नीचे और चल के देखते हैं चेतक ठंडा हुआ है कितना, मतलब लेप के आगे जा पाते हैं या नहीं। बस ऊपर वाले से दुआ मांग रहा हूँ कि मेरे चेतक की बीमारी जो है वो ठीक हो गई हो और हम आगे राइड कंटिन्यू करें। आप भी दुआ करो भाई साहब। अच्छा एक चीज़ बता भाई, मैं तेरे से पूछना भूल गया। फर्स्ट स्ट्रीम राइड थी तेरी, वाटर स्ट्रीम, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, और थैंक्स टू यू जिसने हौसला दिया। वेलकम ब्रो, हम तो हमेशा हौसला देने के लिए रेडी रहते हैं। मैं तो वहीं से पलटा रहा था, बट आपने बोला कि नहीं निकल जाएगी, तो मैं बस निकल गया आपके नाम लेकर के। बस नहीं, मेरा नहीं, महादेव का नाम लेकर के, महादेव सबके साथ है। ये देखो गाइस, स्कूटी तक आ गई है, देख रहे हो स्कूटी स्ट्रीक, ये भाई की है नेट्रो टीवीएस की स्कूटी, ये सारी भी आ गई है यहाँ तक। मेरी बाइक फंस गई है उसके क्लच प्लेट गर्म होने के कारण। सोचो इतनी छोटी मशीन अगर आ सकती है इस जगह पे, तो इतनी बड़ी मशीन के साथ क्या दिक्कत है? तीन लेके आए हो जी सर? तीन लेके आए। ओ हाँ ब्रो जी सर, तीन लेके आए। मानना पड़ेगा भाई, महंगी बाइक खरीद के क्या फायदा भाई, छोटी छोटी बाइक्स भी चली आ रही हैं इतने ऊपर। क्या राइडर है! थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी बाइक मस्त है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू बाबा। बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा। हम भी उसी चक्कर में जा रहे हैं नीचे। ये पागल ने खाना भी नहीं लाया साथ में। मैकेनिक होते क्या इसलिए? सर्विस सेंटर वाले फिर क्यों मैकेनिक्स रखे हुए हैं कि जब उनको कुछ पता ही नहीं है, सब हम ही कर ले, बाइक भी खरीद ले, पैसा भी लगा दे। भाई साहब
बस गाड़ी देना है, सर्विस करके ऑयल चेंज करके देना है ना। एक मिनट आगे से संभाल के रखना है थोड़ा। जय हो महादेव की और जय हो हमारे सुभाष भाई की। ये आदमी मेरे को इंदौर में भी मेरा हेल्प किया, ये आदमी इस ट्रेन पे भी मेरी हेल्प कर रहा है। बता कितना रसगुल्ला खाएगा आज तू? जितना आप खिलाते। रुक एक मिनट मैं पकड़ू। नहीं नहीं सॉरी, मुंबई। यस थैंक यू, यस श्योर, थैंक यू सो मच ब्रो। किसी तरह नीचे ले जा रहा हूँ भाई, नहीं चल रही है बाइक, पिकअप ही नहीं ले रही है, और सीट के नीचे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आग लगा हुआ है। सबसे बड़ा पंगा है, चलो वो मैंने आरएसए करा रखा, वो तो लोग आकर ले जाएंगे, लेकिन यार पूरी की पूरी राइड कैंसिल हो जाएगी, यार पूरी की पूरी राइड कैंसिल हो जाएगी मेरी। हे महादेव, क्या गलती हो गई हमसे। इसका क्लच प्लेट भी इतना महंगा है, क्या ही बताऊँ मैं। 24,000 का क्लच प्लेट आता है, 2-3,000 रुपया उसका ये लेंगे। गजब हो गया भाई, चिक बैठे हुए हैं रोड पे। कुछ बताया जा रहा है इनका। सो गाइस ये है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस टीपी में, DRAINGYARI ड्रैंगारी करके ये जगह है, और इस अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो www.jkforesthuts.com/huts आप डालोगे तो इस प्रॉपर्टी की बुकिंग आपको मिल जाएगी, जो कि है बंगस में, मतलब बंगस जाने से पहले टीपी में। तो आप यहाँ रुकिए आकर के, बहुत खूबसूरत जगह पे और सबसे अच्छी जगह सर रहेंगे ये लोग, मतलब बिल्कुल घर वाला फील देते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। तो बस निकलते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो दोस्तों बाइक का हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, पिकअप नहीं ले रही है, क्लच प्लेट का इशू है, तो आरएसए को फ़ोन कर दिया। आरएसए आएगी थोड़ी देर में, तो अभी हम कुपवारा की तरफ बढ़ रहे हैं, कुपवारा में ही रुक जाएंगे, और वहाँ से आरएसए आएगी तो मैं आरएसए के साथ साथ अपनी बाइक को लेकर के जाऊँगा। अभी बात हुई जम्मू सर्विस सेंटर से, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन कम से कम लग जाएंगे क्लच प्लेट मंगाने में। तो बाइक वहाँ छोड़ करके देखता हूँ कहाँ जाना है मुझे, धर्मशाला जाऊँ दोस्त के पास अपने एसजे के पास, या फिर दिल्ली चला जाऊँ, लेट्स सी क्या होता है यार। सो जी 40-50 की स्पीड में किसी तरह करके आगे बढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा है कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन। हमारी चेतक जो है ब्रेकडाउन हो गई है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इधर आते हैं, आ जाओ बाहर आ जाओ, लाइट मिल रहा है। ये भाई लोग हमारे आए हैं, ये लोग कश्मीर से हैं, और भाई ने बोला कि 4 करोड़, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? किरण साइड से। तो भाई ये प्यार है भाई लोग का जो मिलता है भाई, और मैं लास्ट ईयर आया था तो भाई लोगों ने देखा था व्लॉग, तो आए थे मिलने हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। आपने नाम तो बताओ आप? ये मेरा नाम मुसेद। आप भाई? महजूद। और आप? तस्लीम। देखता कौन था मेरा वीडियो ये बताओ। अरे हाय क्या बात है, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। तो बस यही प्यार बरसाते रहो भाई, यही प्यार चाहिए। सो जी यहाँ पे पेट्रोल डलवाया 1060 का, 10.36 लीटर। बाइक अभी चल रही है, कोई टेंशन नहीं आ रही है, ज़्यादा पिकअप में नहीं चल रही, लेकिन 60-70-80 पे चल रही है आराम से। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या करना है अभी। ये देखो छोटे को दौड़ के आया था बाइक देखने। कैसे हो? गो राइडर्स। ये भाई मिले हैं, इनका नाम है तहसीन, और देख के आए थे बाइक हमारी। चले निकलूँ? चलो बाय बाय बाय। हाँ जी, तो यारो पहुँच गए हैं अपने चेतक को लेकर के। ये जगह है सोपोरा करके जगह है, यहाँ पे होटल लिया हमने, यहीं रुक गए हैं। आरएसए को फ़ोन किया था, वो कल आने वाले थे। मेरी बाइक चल रही है, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल स्टक हो गई है, वहाँ पे जैसे स्टक हुई पड़ी थी अभी चल रही है। तो मेरी प्लानिंग ये है कि मैं कल सुबह सुबह 4 बजे निकलूँ यहाँ से, जम्मू जाऊँ, जम्मू में बाइक दिखाऊँ। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई तो, अगर वो लोग देख करके ठीक कर दे तो कर दे तो अच्छी बात है, नहीं अगर क्लच का प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो 10-15 दिन का काम है। तो फिर बाइक वहीं छोड़ूंगा और वहां से दिल्ली जाऊंगा, या फिर एसजे ब्लॉग्स धर्मशाला, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो भाई आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा, हमने क्या क्या सोच रखा था, लेकिन बस बंगोस जा पाए, बंगोस भी मेन बंगोस जो है, स्मॉल बंगोस जा पाए, बड़ा जो बंगोस है वहाँ नहीं पहुँच पाए।
कोई नहीं, फिर लगता है नेक्स्ट टाइम आएंगे। बंगुस से कुछ तो अपना रिश्ता है, लास्ट टाइम भी नहीं पहुंच पाए थे, इस बार भी जाते जाते रह गए। बट कोई ना, देखते हैं अभी बाइक का जो भी होगा वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज़ से बोल जय हिंद प्लीज़।